मेलघाट अति दुर्गम भाग में 70 साल बाद पहुंची बिजली, महावितरण को लेकर मेलघाट वासियों में खुशी की लहर। भरतवाड़ा से 80 किलोमीटर दूरी पर बसे मेलघाट के आंचल में कई गांव में बिजली नहीं पहुंचने से पिछले 70 सालों से यह लोग अंधेरे में ही अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। वहीं आसपास के किसानों को बिजली नहीं होने के चलते फसलों में भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन कई दिनों की मेहनत रंग लाई और महावितरण द्वारा मेलघाट के अति दुर्गम क्षेत्र में बिजली पहुँचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। दुर्गम क्षेत्र के गांव सलिता और एतनाई इन गांव में महावितरण ने सफलतापूर्वक कार्य करते हुए बिजली पहुंचाने का कार्य किया। पिछले 70 वर्षों में देश आजाद होने के बाद भी यहां बिजली उपलब्ध नहीं होने से कई प्रकार की समस्याओं का सामना ग्रामीण लोगों को करना पड़ रहा था। इस बात को गंभीरता से लेते हुए महावितरण द्वारा जंगलों के बीच से ही लाइन डालकर इन गांव में बिजली पहुंचाने का सफलतापूर्वक कार्य किया है, जिसके चलते इन गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही। अब किसानों को भी इस बिजली के कारण भारी लाभ होगा, सफलतापूर्वक तरीके से अपने फसलों को खेतों से निकाल पाएंगे। इसी के तहत महावितरण द्वारा मेलघाट में अन्य जगहों पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा। इन गांव में बिजली पहुंचाने में सफलतापूर्वक कार्य करने वाले अभियंताओं में मुख्य अभियंता श्रीमती सुचित्रा गुजर, अधीक्षक अभियंता दिलीप खनंदे, अचलपुर के कार्यकारी अभियंता दीपक आघाव, उप कार्यकारी अभियंता डी अंबाड़कर, कनिष्ठ अभियंता वी एम बागड़े, इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य कर मेलघाट में 70 साल बाद सफलतापूर्वक बिजली पहुंचाकर नागरिकों को सुविधा देने का कार्य किया है। अचलपुर कैंप विभाग में कार्यरत पूर्व उप कार्यकारी अभियंता शशिकांत ठाकरे, इन्होंने भी मेलघाट में बिजली पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया है। मेलघाट में 70 साल बाद बिजली पहुंचने से इन ग्रामीणों की बिजली के कारण इस वर्ष दिवाली भी अच्छी हुई है। रोशनी के माहौल में दिवाली मनाकर कई ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। इस कार्य को महावितरण का सफलतापूर्वक कार्य माना जा रहा है। इस कार्य में कॉन्ट्रैक्टर प्रवीण चौधरी ने भी काफी योगदान किया है। अजय काकड़ के साथ प्रदीप आमझरे, SN News मेलघाट।